थोड़ा सा रुका, थोड़ी देर बाद फिर आया। फर्स्ट जब झटका लगा तो इट वॉज नॉर्मल लगा, पर जब सेकेंड आया तब उसकी सिवियरिटी पता लगी कि भैया ये ज़्यादा है। अगर बाई चांस 7 स्केल पे आएगा तो शायद हम एस्केप आउट कर भी नहीं पाएंगे। मेरे हस्बैंड की नज़र गई ग्लास के पानी में, वो एकदम हिल रहा था। नीचे आके भी देखा तो देखने से पता चला कि प्ले एरिया में हम आ तो गए हैं, अगर बिल्डिंग गिरती है तो हम लोग कहाँ से सेफ हैं। भूकंप ये वो शब्द है जिसे बोलने में डर लगता है, भूकंप ये वो शब्द है जिसे सुनने में डर लगता है, और सबसे ज्यादा तब डर लगता है जब हम इसे महसूस करते हैं या फिर झेलते हैं। जब जब भूकंप आता है तो अपने साथ तबाही लेकर के आता है, और भूकंप का सबसे ज्यादा असर हाई राइज बिल्डिंग्स में होता है। खासतौर से अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो यहाँ पर लाखों लोग फ्लैट्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, और जब भूकंप आता है चाहे वो रिक्टर स्केल पर कम हो, बिल्डिंग हिलती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, अपने अपने घरों के बाहर निकल आते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ मंगलवार की रात तकरीबन 10:15 के आसपास, जब भूकंप के झटके लगे। ये झटके रिक्टर स्केल पर 6.6 तक थे और काफ़ी देर तक ये झटके आते रहे लगातार। पहले 30 से 40 सेकंड तक आए और उसके बाद रुक रुक कर झटके आ रहे थे, लेकिन जब झटके आ रहे थे, भूकंप आ रहा था, तो इन हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग, इन सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों को खासा डर लग रहा था। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 78 की आदित्य अर्बन कासा में मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए और अपना वो डरावना भयावह अनुभव बताने के लिए कि जब भूकंप आया मंगलवार की रात को तो आखिर उन्हें कितना डर लगा, उन्होंने पहले क्या क्या किया। बातचीत करते हैं मैम सबसे पहले आपसे, आपका क्या नाम है? इंदु चतुर्वेदी। इंदु जी, कल लगभग 10:15 जब भूकंप आया, काफ़ी तेज़ भूकंप था, क्या कर रही थी, क्या आपको कैसे महसूस हुआ कि भूकंप आया? मैं बेड पे लेटी हुई थी और एकदम सिर घूमने लगा, चक्कर आया, तो एकदम से लगा क्यों चक्कर एकदम से लेटे लेटे आ रहा है, देखा तो फैन हिल रहा था, तो लग गया कि भूकंप है, लेकिन वो थोड़ा सा रुका, थोड़ी देर बाद फिर आया, तो फिर हम लोग बाहर एकदम डर के, बेटा भी था उसको भी पता चला, हम लोग फिर सब बाहर निकल के आए, देखा सभी सोसाइटी के सभी लोग, और काफ़ी देर तक डर लगता रहा, रात को जब सोए हैं 12:30 तक लगता रहा कि कहीं दोबारा तो नहीं आएगा, बहुत डर लग रहा था। कितने लोग आपके परिवार के हैं और किस तरीके से आप लोग सोसाइटी से बाहर निकले फिर? हम लोग 6 लोग, मेरे बेटे बहू और बच्चे, 6 लोग रहते हैं हम लोग सब लोग, तो 3 लोग तो पहले से ही बाहर थे, वो लोग वॉक कर रहे थे, बाकी हम 3 लोग घर में, तो तीनों फिर एकदम से बाहर निकले। चूंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ तो इसलिए मेरे को ज़्यादा नहीं, एकदम गेट खोल के हम लोग बाहर देखा तो ऊपर से सब लोग सीढ़ियों से ही नीचे आ रहे थे, लिफ्ट से आने वाले कम ही लोग थे, सब लोग ऊपर से 13वीं मंजिल से 14वीं मंजिल सब लोग नीचे लिफ्ट सीढ़ियों के द्वारा ही आ रहे थे। तो मैं कितना समय लगा होगा आपको ये पता लगने में कि भाई भूकंप आ रहा है और अब हम लोगों को बाहर भाग जाना चाहिए? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब हल्का भूकंप आता है तो लोग जब तक महसूस करते हैं भूकंप चला जाता है, लेकिन ये जो भूकंप था 30 से 40 सेकंड तक ये महसूस हुआ, पहले एकदम लगा लेटी हुई थी, लगा चक्कर है, थोड़ी देर में जैसे ही देखा कि फैन हिल रहा है तो महसूस हो गया कि भूकंप ही है, पहले तो चक्कर ही समझ रहे थे, लेकिन फैन को देख के फिर वो रुका थोड़ी देर, दोबारा फिर वो हिले, तेज हिलने लगे फैन, तो वो तो अंडरस्टूड है कि लग गया भूकंप है, और उसी समय हम लोग सब लोग बाहर निकल गए। नींद में आपकी खलल डाला, ये बताइए जब बाहर निकले तो कितना, मतलब नींद सोने की तैयारी चल रही थी, जब बाहर आप लोग निकले तो बाहर किस तरीके का माहौल था उस वक्त, पैनिक का क्या माहौल? पैनिक, सभी लोग बहुत डरे हुए थे, सब घबराहट थी, और मुझे भी बहुत घबराहट थी, अंदर से बहुत देर तक घबराहट होती रही, एकदम जैसे लग रहा था कि शरीर कांप रहा है डर से, क्योंकि अभी हो भी चुका है, तो भूकंप की वजह से सब लोग ही डरे हुए थे। और जब उत्तराखंड में भूकंप आया था तब दिल्ली NCR के लिए प्रेडिक्ट किया गया था कि इस तरह के झटके, हल्के झटके या तेज झटके दिल्ली NCR में भी आ सकते हैं। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है। निधि जी, कल 10:15 आप लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे या TV देख रहे होंगे, अचानक क्या महसूस हुआ आपको? हम लोग मेरे बच्चे दोनों सो गए थे और आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मतलब सोने ही जा रहे थे, तो लगा कि जैसे आंटी ने बोला कि पहले थोड़ी देर लगा कि सर घूम रहा है या ड्राउजी फील कर रहे हैं, पर जो फर्स्ट जब झटका लगा तो इट वॉज़ नॉर्मल लगा कि ठीक है छोटा अर्थक्वेक था, पर जब सेकंड आया तब उसकी सिवियरिटी पता लगी कि भैया ये ज़्यादा है, और फिर मेरे ट्विन्स हैं तो एक एक बच्चे को उठाया और हमने स्टेयर से 12th फ्लोर से हम लोग नीचे आए। स्टेयर से आए, आपने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया? लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, और वो नाइटमेयर था, और उसके बाद रात भर नींद नहीं आई है, और पूरे टाइम लगता रहा कि अभी भी फील हो रहा है।
ये बताइए कि कितना वक्त लगा होगा आपको अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलने में, और बाहर किस किस तरीके से सुरक्षित जगहों पे आप गई? टाइम लगा काफ़ी, क्योंकि सारे फ्लोर के मतलब एक फ्लोर पे चार फ्लैट्स हैं, तो सबको रेजिडेंट को उसी स्टेयर्स से सब निकल रहे थे, तो काफ़ी भीड़ भी थी उसमें, पेट्स भी सब आ रहे हैं और सब अमूमन सब स्टेयर से ही आ रहे थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था। पर ये था जैसे ही निकले फिर पार्किंग की तरफ खुले में हम लोग गए, तो मतलब पैनिक का सिचुएशन। जब आप बाहर निकली तब भी बिल्डिंग हिल रही थी, भूकंप आ रहा था? नहीं, तब तक ख़त्म हो चुका था, पर लग रहा था कि कहीं दोबारा ना आए, तो इट विल बी मतलब बेटर कि आप थोड़ी देर रुक जाते हैं। बाहर का क्या माहौल था उस वक्त? क्योस था, क्योस था। सब लोग सोसाइटी के बाहर या बिल्डिंग के बाहर थे? बिल्कुल बाहर थे, मतलब कुछ तो ऐसी फैमिलीज भी थी जो न्यू बॉर्न बेबीज को लेके बाहर थी, कुछ व्हील चेयर वाले भी लोग भी आए हुए थे, व्हील चेयर पर भी लोग आए लेके उनको नीचे आए हुए थे, और काफ़ी देर तक रहे, करीबन पौना घंटा एक घंटा लोग बाहर ही रहे, उसके बाद अंदर गए। आप कितनी देर में अंदर गई जब आपको लगा कि सब नॉर्मल हुआ? हाफ एन आवर कम से कम लगा। कम से कम डर लग रहा था क्योंकि पिछले बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा था, 6.6 था, और एक महीने में थर्ड टाइम ये आना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि, और आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो कि मतलब अर्थक्वेक प्रोन है, तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। इसीलिए निधि जी ने अपने परिवार को लेकर के सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अमूमन कहा जाता है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, लिफ्ट कहीं भी फंस सकती है और उसके बाद आप उस लिफ्ट के अंदर फंसे रह सकते हैं, तो ऐसे में अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों के जरिए वो बाहर निकले। और आपको दिखाना चाहेंगे आदित्य अर्बन कासा, ये हाईराइज सोसाइटी है पूरी, यहाँ पर चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आएंगी, इमारत नजर आएगी, और इन इमारत में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में अगर कोई बड़े कह सकते हैं बड़े स्तर का अगर भूकंप आता है, रिक्टर स्केल पर अगर 6.6 से ज्यादा यानी 7 तक अगर जाता है तो एक बड़ी हानि हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तुर्की में भूकंप आया था, हजारों लोग, 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वहां पर 7 से भी ज्यादा का रिक्टर स्केल पर भूकंप आया था, तो उसके बाद से लोग अमूमन डर गए थे और कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से समय से बाहर आए। तुर्की का भूकंप हाल में आप लोगों ने टीवी चैनल्स में देखा होगा कि क्या हाल हुआ, जब कल भूकंप आया तब आप लोगों को कितना डर लगा? तब हम बहुत डर गए थे, और स्पेशली छोटे बच्चे थे घर में, सीनियर सिटीजन्स थे, तो उनको उनके साथ नीचे आना भी एक टास्क है क्योंकि लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बच्चे आधी नींद में जा चुके थे, तो नीचे आने में ही हमें इतना टाइम लग गया। तो उस दिन हम कल भी यही सोच रहे थे कि हाई राइज रहने का ये एक डिफ़ॉल्ट भी है हमारे अंदर कि अगर बाई चांस 7 स्केल पे आएगा तो शायद हम एस्केप आउट कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि नीचे आने में ही बहुत टाइम लग जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुगंधा। बहुत बड़ी बात कही सुगंधा जी ने, हाई राइज बिल्डिंग के अपने बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि यहाँ पर जितनी ऊँची इमारत होती है उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि लिफ्ट का इस्तेमाल अगर किसे कोई बुद्धिमान है वो नहीं करता है, और अगर सीढ़ी से आता है तो वो समय लेता है। आप जब भूकंप आया उस वक्त आपके घर में क्या माहौल था और किस तरीके से आपको पता लगा कि भूकंप आया? मेरे बच्चे उस टाइम फ्लोर पे खेल रहे थे और हम लोग खाना खा रहे थे। जब फर्स्ट टाइम भूकंप आया तो मतलब इतना मुझे फील नहीं हुआ कि मैं टीवी देख रही थी, बट मेरे हस्बैंड की नज़र गई ग्लास के पानी में, वो एकदम हिल रहा था। फिर अचानक फिर हमने देखा हमारे सारे फैन हिल रहे हैं, शैंडल हिल रहा है, तो अचानक हम उठे और बच्चों को उठाया। मेरा एक हमारे घर में 3 बच्चे हैं, हम 6 लोग रहते हैं, एक बच्चा सो रहा था, फटाफट उसको गोदी लिया। जब तक कुछ सोचते मेरे बच्चे डर गए थे, मम्मा हो क्या, अचानक आप अभी हंस रहे थे टीवी देख रहे हो, अचानक क्या हो गया, हम लोग को उठा रहे हो। और जब हम नीचे आ रहे थे सीढ़ियों में, सब लोग नीचे सीढ़ियों का ही यूज़ कर रहे थे, लिफ्ट को यूज़ करता नहीं, सबको पता ही है। उसके बाद क्या हुआ, जब उतर रहे तो बेचारे बुजुर्ग भी आ रहे हैं जिनके पैरों में बहुत दर्द है, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उनकी भी सब हेल्प कर रहे थे, चाहे वो आपकी फैमिली के हो नहीं हो। तो मेरे हस्बैंड फटाफट गए नीचे, बच्चों को उतारा और उनकी हेल्प करने फिर आए, तो जब तक थम गया था, पर लेकिन अंदर ऐसा डर था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो हाई राइज बिल्डिंग है उनका कोई भरोसा नहीं है, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं हमें नहीं पता, हमें बोला जाता है कि अच्छे मटेरियल से बने, पर कब वो जर्जर करके नीचे गिरेगी हमें कुछ पता नहीं रहता। तो बेटर है जब भी तुम्हें इस तरह की फीलिंग आए तो उसी टाइम आप उतर के आ जाओ। मेरे बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि मम्मा क्या हुआ, क्योंकि उनके लिए ये फर्स्ट टाइम था, छोटे छोटे बच्चे हमारे, तो उनको एक्सप्लेन करा। फिर हम 11:30 तक हम नीचे ही रहे, और फिर जब ऊपर आए उसके बावजूद भी मैं को मतलब वो मैं पता नहीं महसूस कर रही थी क्या, मुझे लग रहा था मैं बेड में लेटी हूँ, पर मैं फील कर रही थी मैं अभी भी वाइब्रेट मोड में थी। तो बच्चों को उस टाइम में मेरी रात भर नींद में यही था कि दोबारा से ना आ जाए, क्योंकि इतना भयंकर टाइप का था वो
इस तरह से सबको फील हुआ। बाहर जब आए तो सबके सब बाहर थे, सबको महसूस हुआ। यानी कि कभी कभी होता है कि छोटे लेवल पे आता है, पता नहीं चलता, टीवी के थ्रू पता चलता है, उस वक्त अंदर भी घरों में रहते हैं तो घर पे रहते हैं, पर लेकिन जो कल जो हुआ था तो उसमें सारे के सारे सोसाइटी के सभी लोग ऑलमोस्ट 80% लोग नीचे आ चुके थे, चाहे वो ऊपर फ्लोर में हो या नीचे फ्लोर में, सब ही नीचे थे। और मतलब 40 मिनट तक तो नीचे ही थे, 11:30 तक बाहरी चहल पहल का माहौल बना हुआ था, 12 बजे तक लोग अपना फिर घर में गए थे। रात में डर से नींद आई नहीं आई? नींद आई थी पर थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो उनका डर ज़्यादा था, उनको लेके जाना तो अपने में एक डर महसूस होता है कि छोटे बच्चों को कुछ हो उससे पहले अपना नहीं बच्चों के लिए आता है। मैं महिलाओं के लिए खास दिक्कत होती है उनको कई बार इस तरीके से इवैक्यूएट करने में, क्योंकि पुरुष होता है तेजी से भाग रहा होता है और महिलाओं को भी सपोर्ट करके वो आगे निकाल रहा होता है। कितनी दिक्कत हुई, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को लेकर के बाहर निकलें। कल जब भूकंप आया तो आप क्या कर रही थी, कैसे महसूस हुआ? कल जब भूकंप आया ना तो मैं और मेरे बच्चे दोनों बेड पे खेल रहे थे, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड बोले बाहर से नहीं अर्थक्वेक आया है, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। तो जब तक निकले हैं तो एक बार आ चुका था, और सेकंड टाइम जब स्टार्ट हुआ ना तो फैन देखे, फैन हिल रहे हैं, झूमर हिल रहा है। हम 13th फ्लोर पर रहते हैं, नीचे आते आते मुझे 10 मिनट लग गया, क्योंकि और भी फ्लोर के लोग नीचे उतर रहे थे। डर लग रहा होगा, 10 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। बहुत, फिर नीचे आके भी देखा तो देखने से पता चला कि प्ले एरिया में हम आ तो गए हैं, अगर बिल्डिंग गिरती है तो हम लोग कहाँ से सेफ हैं। ये इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि प्ले एरिया, यानी कि ये देखिए, ये आदित्य अर्बन कासा का जो प्ले एरिया है वो है, लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग की हाइट है, जो ऊंचाई है, वो काफी ज्यादा है, और जो दो टावर के बीच का गैप है वो काफी कम है। ऐसे में आशंका ये जताई जाती है कि अगर एक बिल्डिंग को नुकसान होता है तो उससे दूसरी वाले टावर को भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे में आदमी कहाँ जाए। इस प्ले एरिया में ये लोग आकर के खड़े हो गए घर के बाहर, लेकिन अगर इतनी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है इनको अगर नुकसान होता, इनका प्लास्टर या कुछ कंक्रीट गिरता, तो उससे नीचे खड़े हुए लोगों को भी खासी दिक्कत हो सकती थी। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जब भी भूकंप आए तो लोग बिल्डिंग्स से जितनी दूर हो सकता है वहां चले जाए, और यही वजह है कि लोग सड़कों पर बाहर जाकर के खड़े हो गए थे। मैम क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, कल भूकंप आया, एक बहुत जबरदस्त भूकंप था, आपने कितना महसूस किया, क्या कर रही थी जब भूकंप आया, कैसे पता लगा आपको कि भूकंप आया? मैं सो रही थी तो मेरी मदर का फोन आया कि भूकंप आया, तो फिर हम लोग उठे, तो जब मैंने मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहती हूँ, तो जब हमने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और बहुत शोर आ रहा है, बहुत पब्लिक थी। तो फिर मुझे तो नींद आ रही थी, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि गार्ड को बोल दो कि अगर दोबारा कोई झटका महसूस हो तो दरवाज़ा खटखटा दे, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। मैम तो अभी तो कल तो ऐसा हुआ कि जैसे रात को 10 बजे ही आया था, लेकिन अगर रात को 2 बजे आए तो उस टाइम तो कोई जगाने वाला भी नहीं है, तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मानती है हाई राइज बिल्डिंग के बड़े नुकसान भी इस चीज को? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, बड़ा मतलब ऊपर से नीचे उतरने में जितना टाइम लगेगा उतने में कोई बच भी नहीं सकता अगर ऐसा तुर्की जैसा भूकंप आ जाए तो, क्योंकि मतलब उस टाइम पे मैं बस वो एक भूकंप को कंसिडर करके बहुत यही इमेजिन कर रही थी कि अगर वैसा आ जाएगा तो फिर तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी सोसाइटी नहीं रहेगी। तो आप मानती है कि बिल्डिंग्स जो बनती हैं हाई राइज सोसाइटी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, और उसमें जो मटेरियल या स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, भूकंप रोधी होना चाहिए? बिल्कुल, देखा जाए तो हमारी सोसाइटीज़ में जो भी जितनी बन रही हैं हाई राइज 12, 13, 14 इसे ऊपर की फ्लोर्स ही हैं, तो इनमें एक तो मटेरियल और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अर्थक्वेक को मतलब वो इफेक्ट को रोक सकती है, लाइक स्प्रिंग्स यूज़ करे जा सकते हैं या जो भी मतलब जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली NCR एक बहुत सॉफ्ट जगह है अर्थक्वेक के हिसाब से, सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, जोन फाइव जैसा बता रहे हैं, तो ख़तरनाक है, और क्योंकि टाइम लगता है स्टेयर से उतरने में, लिफ्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अब जैसे 6.6 था, अगर नहीं उतर पाते टाइम से या 7 तक होता तब क्या होता, मतलब तब तो इमेजिन ही करना बहुत ही। तो मैम कई लोग ऐसे भी थे, कल भूकंप के वक्त खाना खाने का समय होता है उस वक्त, तो बहुत लोगों का क्या आपने खाना खाया या कई लोग थे ऐसे जो खाना? हम लोग तो थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, 8:30-9 तक तो हो गया था, लेकिन बाकी उसके बाद ही लेटे हुए थे और घबराहट जो खा रहे थे उन लोगों को तो बहुत घबराहट थी। आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपको तो बाहर निकलने में, हालांकि आपका ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन आपने देखा होगा तमाम बुजुर्ग जो दूसरी फ्लोर पर रहते हैं, ऊंचे फ्लोर पर रहते हैं, उनको दिक्कत हो रही होगी? बहुत दिक्कत हो रही थी, एक हमारी बीमार हैं तो उनको तो उस पर रहती हैं व्हील चेयर पर,
उनको लेके, उनको तो फिर लिफ्ट से ही लाया क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं, तो लिफ्ट से लाया गया। लेकिन और भी ऊपर बुज़ुर्ग लोग, क्योंकि हम लोग क्या थोड़े हैं, ज़्यादातर जॉइंट फैमिली हैं, तो बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं, तो मुश्किल तो हुई और धीमे धीमे लोग, घबराहट सबको बहुत थी। कुछ लोग सो भी गए थे, बुज़ुर्ग लोग उसमें सो भी गए थे, तो उनको जगा के लेकर आए, तो दिक्कत हुई इनको बहुत। बुज़ुर्ग सो गए थे, उनको जगा करके लेके आया। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं। सोसाइटीज़ में अमूमन एक अलार्म होता है, जब भूकंप आता है तो वो बज जाता है, हालांकि बहुत सारी सोसाइटीज़ में चीज़ें नहीं रहती हैं। भूकंप आने के बाद आप लोगों ने कुछ चेक किया कि कौन कौन से बिल्डिंग्स में दरार आई, क्या स्टेप्स उठाए देखने के लिए कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? 10:15 का टाइम था, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सारे रेजिडेंटों को इन्फॉर्मेशन दी गई कि अर्थक्विक जैसा ऑब्जर्व हुआ है, लगा है कि अर्थक्विक आने वाला है। सेकंड स्टेप में मेंटेनेंस स्टाफ को अलर्ट पर रखा गया, सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया और इन्फॉर्मेशन पास की गई, लिफ्ट को इमरजेंसी मोड पर रखा गया, ब्रेकडाउन मोड पर रखा गया। तो डरावना मंजर था उस टाइम पर, सारे रेजिडेंट असेंबली पॉइंट पर आए। किसी भी सोसाइटी का एक प्रोटेक्शन एरिया होता है जहाँ पर किसी इमरजेंसी के टाइम पर सारे रेजिडेंट इकट्ठा हो सकते हैं, या फायर का इंसिडेंट हो या अर्थक्विक का हो। तो सारे रेजिडेंटों को ऑब्जर्व किया गया, सारे लोग आए थे, डरावना सीन था, सबको एक खौफ था कि नेक्स्ट स्टेप पता नहीं क्या होगा, कितना उसका रेटिंग क्या होगी आने वाले की। तो भगवान ठीक है सबका सुना, पर सही रहा, नॉर्मल रहा, सारी चीज़ें रहीं, कंट्रोल में रहीं। पर ये स्ट्रक्चर को लेके बात आती है सोसाइटी की, तो नोएडा अथॉरिटी को या NCR में ये एक बार टेस्टिंग होना चाहिए सारी सोसाइटियों का कि स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है और कितनी कैपेसिटी तक वो अर्थक्विक को ऑब्जर्व सहन कर सकती है, झेल सकती है। बाकी ठीक है, अभी आगे के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हाई राइज अपार्टमेंट है, कम स्पेस होता है और बिल्डिंगों का आप देख रहे हो 32-31 फ्लोर का है, तो इन सब चीज़ों को लेके तमाम स्टेप्स उठाने पड़ते हैं कि ताकि लोग आराम से जो है निकलें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें और जो खाली एरिया वहाँ पर रहे। कितना समय लगा लोगों को वापस अपने फ्लोर? काफ़ी टाइम लगा, आने का जो टाइम था वो बहुत कम था, पर लोगों के मन में डर था कि दोबारा से कहीं कोई ना ऑब्जर्व हो, ना ही अर्थक्विक जैसे दोबारा कोई झटका लगे। तो 10:15 के टाइम पर ये आया था, 10:30 पर सारे रेजिडेंट यहाँ थे असेंबली एरिया में, और जाने में 11 से 12 बजाए लोगों को अपने घर तक पहुँचने में, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सबको लेके आना, आने का टाइम बहुत ही कम था और जो गए लोग वो 12 बजे के आसपास तक निकले हैं यहाँ से। यानी कि लगभग 2 घंटे तक इस नोएडा की आदित्य अर्बन कासा सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल था। जो बच्चे थे, जो बुज़ुर्ग थे, जो महिलाएं थीं, जो पुरुष थे, वो सब अपने अपने घरों से लगभग बाहर आ चुके थे डर की वजह से कि कहीं ये भूकंप ज़्यादा तेज़ ना हो, जिससे उनकी बिल्डिंग्स में नुकसान ना हो, उनके जानमाल को ख़तरा ना हो। लेकिन तमाम एहतियात बरतते हुए और जो लोग थे सोसाइटीज़ के, जिन्होंने बताया कि वो सभी लोग बाहर खाली एरिया में आ गए थे और लगभग 45 मिनट तक वो लोग इस अपनी हाई राइज सोसाइटी से बाहर खड़े हुए थे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। लेकिन कहीं ना कहीं भूकंप का ये खौफ उनके अंदर मौजूद था और इसी वजह से उन लोगों ने एहतियात के जितने भी कदम थे वो उठाने की कोशिश की। फिलहाल नोएडा खतरनाक जोन में रहता है और हाई राइज बिल्डिंग भूकंप के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।